हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दिस इज सृष्टि अग्रवाल तो मैं आप सभी कक्षा आठ के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्यूज अभ्यास सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट्स से क्यूज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ तो आज है आपका वीक सिक्सटीन डेट है फिफ्टीन अक्टूबर टू तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स के क्वीज अभ्यास का सॉल्यूशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्रत की परिधि का सूत्र है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है टू पाई आर ठीक है पाई की वैल्यू क्या होती है तो हमेशा जब भी आपको परिधि निकालनी हो तो आप टू पाई आर फॉर्मूला लगा दीजिए व्रत की परिधि का सूत्र है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की होती है तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की कितनी होती है वन बाई टू यानी हाफ ठीक है तो आधा आधा पार्ट रहता है त्रिज्या का व्यास पूरा रहता है तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट वन बाई टू दो या दो से अधिक समान राशियों में तुलना करना कहलाता है अनुपात बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री तीन सौ साठ डिग्री किस संख्या का पांच गुना पैंसठ होता है तो पांच गुना पैंसठ होता है तेरह पंजे ठीक है तेरह इंटू तो सभी संख्याओं को आप पाँच से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो जिस भी संख्या का आपका मल्टीप्लिकेशन सिक्सटी फाइव मिल रहा है वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तेरह गुना पांच करने पर हमें मिलेगा सिक्सटी फाइव पैंसठ या ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा राजस्थान की झालावाड़ के एक विद्यालय में पर्यावरण पखवाड़ी के अंतर्गत रोपे गए पौधे में पच्चीस परसेंट नीम पंद्रह परसेंट जामुन और शेष पीपल के पौधे लगाए गए पीपल के पौधे कितने प्रतिशत है तो देखिए पच्चीस परसेंट पंद्रह परसेंट कितना हो गया चालीस परसेंट ठीक है अब शेष पीपल के पौधे हैं तो अब कितने परसेंट हो जाएंगे चालीस घटा दीजिए सौ परसेंट में सौ परसेंट पूरा होता है तो सौ परसेंट में से चालीस परसेंट घटाने पर हमारे पास आंसर हो जाएगा सिक्सटी परसेंट ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा एक खेत में गुड़ाई का काम चार मजदूर आठ दिन में करते हैं यदि यह कार्य दो दिन में पूरा कराया जाए तो कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे तो डबल लगाने पड़ेंगे देखिए कैसे आठ दिन में करते हैं चार मजदूर काम तो दो दिन में करेंगे तो आप कर दीजिए इसका तो आपका जो आंसर आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी फोर गुना फोर चार मज़दूर करेंगे चार चार और तो सोलह मजदूर लगाने पड़ेंगे तो चार गुना कर दीजिए इसका चार मज़दूर का ठीक है क्योंकि आठ दिन है दो दिन है तो दो दिन आठ दिन कितना हो गया चार दिन तो यहां पर हो जाएगा सोलह गुना किसी संख्या के चार गुने में से पांच घटाने पर सत्ताईस प्राप्त होता है वह संख्या बताइए तो किसी संख्या x मान लीजिए कि चार गुने, चार एक्स में से पांच घटाने पर चार एक्स माइनस पाँच बराबर सत्ताईस चार एक्स बराबर सत्ताईस में पाँच जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा सात और पाँच बारह तीन एक्स बराबर चार आठ बत्तीस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आठ दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो वे कौन सी रेखा कहलाती है वो होती है प्रति रेखाएं इस तरह से रहती हैं वो ठीक है एक बिंदु पर काटती है तो विभिन्न रेखाएं तो ये क्या आपका प्रतिचेती बिंदु और ये रेखाएं हैं प्रतिचेती रेखाएं है। जब विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सम्तिभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कहलाता है सम चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर ठीक है तो समकोण पर जब विकर्ण काटता है तो क्या हो जाता है वो आपका सम चतुर्भुज ठीक है आप देखेंगे सब्जेक्ट विज्ञान के का सॉल्यूशन जिसमें क्वेश्चन है कोशिका में एक कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली परिबद्ध है एवं कोशिका में ऊर्जा संचय का कार्य करता है इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कह कहते हैं इस कोशिकांग का नाम कोशिका का शक्तिगृह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको सभी को पता ही होगा अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए होता है माइट्रोकौंड्रिया मुख्यतः बच्चों में पाए जाने वाला रोग जिसके प्रमुख लक्षण रोगी को भूखा नहीं लगना शरीर छीन व दुर्बल हो जाना चेहरा कांतिहीन त्वचा तो अच्छा रूखी दिखाई देना ये रोग आ, किस प्रोटीन की वजह से होता है ये? या फिर आ, रोग को यह रोग भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है तो इस रोग का नाम क्या है तो प्रोटीन की कमी से रोग होता है ये क्वाशियो को जिसमें बच्चा दुर्बल दिखाई देता है और भूख नहीं लगती बच्चे को तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर शीतकाल में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं साथ ही भारतीय पक्षियों की भी बहुत अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं भरतपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध पक्षी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए तो यह है घाना पक्षी बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन है कई शाकाहारी चौपाई जानवर जैसे चार पहिये वाले जानवर जैसे गाय भैंस व चारा खाने वाले जानवर प्राय प्रारंभ में घास या चारे की मात्रा जल्द जल्दी जल्दी निकलकर आमाशी के प्रथम भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जबकि बाद में विश्राम की अवस्था में ये जंतु उसी भोजन के छोटे छोटे पिंडकों को मुख में लाकर चबाते रहते हैं इन जानवरों के उत्क्रम को किस नाम से जानते हैं तो क्या कहलाते हैं ये जुगाली करना आपने देखा होगा जब भी थाली बैठे रहते हैं जानवर गाय भैंस बकरी तो ये सभी मुँह चलाते रहते हैं ऊँट तो ये क्या करते हैं ये एक साथ में जब घास को खा लेते हैं ना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर अपने मुंह में उसे चबाते रहते हैं ताकि वो पच जाए ठीक है तो ये क्या होता है जुगाली करना जानवरों की जुगाली करना अगला क्वेश्चन है मुख गुहा में ऊपरी व निचले जबड़े में दो दो निकले तीखे मजबूत दांत उपस्थित होते हैं आपने देखा होगा साइड में देखिए नुकीले नुकीले दांत जो भोजन व मांसाहारियों में शिकार को चीने फाड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं इन दांतों को किस नाम से जाना जाता है तो ये दांत होते हैं रदनक ठीक है जो कि जैसा शेर है मगरमच्छ इनमें क्या बड़े होते हैं बहुत साइज में तो जानवरों को या किसी इंसान को अगर चीर फाड़ते हैं तो उसी की सहायता से करते हैं और हमारे भी देखिए आपने देखा होगा नुकीले दांत होते हैं जिससे हम किसी भोजन को छील देते हैं तो यहां पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा कौन से दांत होते हैं ये रदनक नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना समान है किंतु कार्यों में भिन्नता होती है जैसे वेल के फ्लिपर, पक्षी के पंख चमगादड़ के पंख व मनुष्य के हाथ सभी अग्रपात के रूपांतरण हैं किंतु कार्य भिन्न भिन्न हैं इन अंगों को किस रूप में जाना जाता है तो ये अंग होते हैं सम जात अंग एक ही जात के अंग बट काम अलग अलग होते हैं सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है उत्सर्जन कम ऊंचाई वाले पौधे जिनके तने का रंग हरा होता है ये अत्यंत कोमल होते हैं से मोड़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं शाक राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इनकी पत्तियां भेड़ों की चारों के उपयोग में लाई जाती हैं इनके फल फलीदार होते हैं जो कि प्रसिद्ध सब्जी पंचकुटा में उपयोग में लाई जाती हैं खेजड़ी वृक्ष के फलों को क्या कहते हैं सांगरी ठीक है सांगरी तो आपने नाम सुना ही होगा सेंगरी की सब्जी भी बनती है और सेंगरी को पंचकुटा में भी यूज में लिया जाता है तो ये बहुत ही जो ये कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है वो इसलिए ही क्योंकि इसकी हर चीज हर पार्ट किसी न किसी रूप में काम आता है इसी को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था पेड़ बचाओ आंदोलन वो भी हुआ था जिसमें अमृता देवी ने अपने प्राण में की किए थे कई सारी औरतों के साथ पेड़ों से चिपक गए थे और उन्हें काट दिया गया था ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं सर्वाहारी अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन जिसमें आपको दे रखा है सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड एक पैराग्राफ तो आप इसे रीड करें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार घुड़सवारी के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई किस कला में माहिर थी घोड़ों की परख करने में कि कौन सा घोड़ा सही है रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की महारानी थी झांसी रियासत की व्यापारी कितने घोड़ों को लेकर आने के दरबार में आया था दो घोड़े अगला पैराग्राफ है हॉलैंड यूरोप का प्रसिद्ध देश है तो इस देश के बारे में बताया गया है समुद्र तट पर कौन सा देश बचा हुआ है हॉलैंड दीवानों की हस्ती पर अब दीवानों की हस्ती से पाठ से क्वेश्चन लिया गया है कि दीवानों की हस्ती पाठ पर प्रश्नों के आधार पर उत्तर दीजिए दीवानों के साथ क्या चलता है का आलम पार दीवानों की हस्ती से ही है ये भी हम भीख मंगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटा के प्यार चले निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए प्यार के की बदले प्यार न मिलने पर भी कवि सबको प्यार बांटता चल रहा है हमने चैप्टर रीड कर ही रखा है सभी क्वेश्चन आंसर भी देख रखे हैं काफी सारे सब्जेक्ट्स के और चैप्टर्स हमने देख लिया हमारे चैनल पर अगर आपने नहीं देखा हो और आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल की प्ले से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उन चैप्टर्स को चैप्टर जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे क्योंकि हमने साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी बताए हैं भावार्थ भी बताया है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताए गए हैं उन्हीं वीडियो में एक ही वीडियो है ठीक है एक चैप्टर का एक ही वीडियो जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है तो जरूर देखिए आप चैप्टर को पाठ चिड़ियाओं का अनूठा संसार पर आधारित पाठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको मानव सभ्यता के विकास में इनमें से किसने एक अनूठी भूमिका निभाई है तो पत्रों ने पहली लाइन में ही लिखा हुआ है उस चैप्टर में अगर आपने देखा है तो इसी पाठ पर है क्वेश्चन भारत में हर रोज औस्तन कितनी चिड़िया डाख में डाली जाती हैं चिट्ठियाँ सॉरी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं लगभग साढ़े चार करोड़ दो वर्णों की मेल से उत्पन्न हुए विकार को दो वर्णों से मेल हुए मेल से बने हुए उत्पन्न विकार को कहते हैं संधि स्वसंधि के कुल कितने भेद हैं पांच क्रमानुसार में कौन सी संधि है दीर्घ क्रम धन अनुसार आ की ध्वनि आ गई है ए और ऐ मिलकर दीर्घ बन गया आ तो जिससे बन गया है, तो है क्रमानुसार दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है अगर आप संधि पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम संधि से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आ सके और आप सभी को संधि अच्छे से समझ आ सके इनमें से कौन वृद्धि संधि का एक उदाहरण है एक 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 धन एक ठीक है जिसमें बन गया है ए और ई ए मिलकर आई बन गया है तो ये डन होता है आपका सब्जेक्ट हिंदी साइंस और मैथ्स के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे तो और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद